दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी दे विच नीति आयोग मीटिंग दे विच शामिल ना होने की दी जानकारी। ट्वीट दे विच तंज कसदिया अरविंद केजरीवाल का कहना, जे प्रधानमंत्री ही कोर्ट के नियमों तो करता इनकार तो लोग इंसाफ लिए किथे जाएंगे। तो इस वेले की खबर सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल होने तो इनकार कर दिता है। इस इनकार के लिए उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, चिट्ठी लिखी है बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहना है कि जेकर प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के नियमों नहीं मानता, इनकार करता है नियमों, तो लोग इंसाफ के लिए कितने जाएंगे। तो नाल दे नाल ही ट्वीट दे विच ये भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जी, तुसी देश के पिता वर्गे हो, तुसी गैर भाजपा सरकारां नू काम करन दिओ, उन्हां दे काम ना रोको। लोग तुहाडे ऑर्डिनेंस तो बहुत नाराज़ हैं, भलके नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल होना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो ये ट्वीट करके जानकारी दी है। तो ट्वीट भी तुहानू दिखाया जा रहा है। तो दस दिए कि इस तो पहला भी भगवंत मान सरकार दे वल्लों भी नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल होने तो इनकार किया गया सीगा। उन्होंने भी तंज कसदिया एक गल आखी सी कि मैं नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल नहीं होवांगा। जो पहला मीटिंग हुई सी उस दे विच जो मुद्दों के उत्ते जो डिस्कशन की गई सी, तो हले तक हल नहीं हुए ने, तो पहल उन्होंने हल किया जाए। मैं सिर्फ फोटो खिचाने के बदले के नीति आयोग की मीटिंग शामिल नहीं होना चाहता। नाल दे नाल ही भगवंत मान सरकार ने यह भी कहा सीगा कि फंड जिहड़े आ केंद्र सरकार ने रोके हुए ने पंजाब सरकार दे, ते इन्हां उत्ते भी तंज कसे सीगे। तो हुण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है, बकायदा एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि वह नीति आयोग की मीटिंग शामिल नहीं होणगे। नाल दे नाल ये भी कहा गया कि जेकर प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के नियमों तो इनकार करता है, तो फिर लोग इंसाफ के लिए कितने जाएंगे। तो नीति आयोग की मीटिंग होनी सी, तो पर उस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होणगे। जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह, तां इक्को इक राह, एनआरआई मैरिज ब्यूरो। एनआरआई मैरिज ब्यूरो, फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन।